आप देख रहे हैं जहां हर तरफ अब दीप जलाने की बारी है, आज का ये दिन युगों युगों तक याद रखा जाएगा। क्योंकि वैसे तो दीपावली के पहले दीपोत्सव मनाया जाता है, लेकिन आप देखिए कि आज प्राण प्रतिष्ठा के इस खास मौके पर कई लाख दिए जलाए जा रहे हैं। सरयू किनारे की तस्वीर आप देख रहे थे, दीपोत्सव की ये तस्वीर है और बहुत ही खूबसूरत ये पल, खूबसूरत ये नजारा, जिसको देखने के लिए दूर दूर से कई लोग आए हैं। इसकी तैयारी कई हफ्ते पहले से हो रही थी और आज के दिन के लिए, आज के दिन के इस नजारे के लिए श्रद्धालुओं में खुशी है, उत्साह है, उल्लास है। जय श्री राम से दीपों को सजाया गया है और दीपोत्सव अयोध्या में भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जा रहा है। तो ये खुशी का पल है, लंबे समय का जो इंतजार, लंबे समय का जो सपना, कई सालों का इंतजार खत्म हुआ है। राम की पैड़ी पर 22,23,000 दिए जलाए गए हैं और सीएम योगी की तरफ से पहले ही कहा गया था कि एक महा रिकॉर्ड हम बनाने वाले हैं इस बार। और ठीक इसी तरह अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। 51 घाटों पर करीब 22 लाख से भी ज्यादा दियों से अयोध्या जगमग हुई है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से इस संबंध में सर्टिफिकेट सीएम को सौंपा गया। सीएम योगी इस सर्टिफिकेट को ग्रहण भी कर चुके हैं, लेकिन आप देखिए कि कितना खूबसूरत ये नजारा है। एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम करने की ओर और भव्य और दिव्य दीपोत्सव अयोध्या में। तो प्राण प्रतिष्ठा के इस मौके पर आप दीपोत्सव की ये तस्वीर देख रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दुल्हन की तरह पूरे अयोध्या को सजाया गया है और ये तट की तस्वीर आप देख रहे हैं, सरयू तट की तस्वीर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर एक तरफ राममय हो चुका है। अयोध्या तो प्रभु राम के लिए सज ही चुकी है, देश के अन्य स्थानों पर राम नाम की धूम है। और इस बीच आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लेजर शो भी किए जा रहे हैं, लेजर शो का आयोजन और साथ ही दीपोत्सव, भव्य दीपोत्सव, दिव्य दीपोत्सव। तमाम ऐसे बड़े वीवीआईपी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। दीपोत्सव के मद्देनजर कई लाख दीयों का ऑर्डर पहले ही दे दिया गया था। प्राण प्रतिष्ठा की इस तैयारी की अगर हम बात करें तो लंबे समय से चली आ रही थी और दीपोत्सव क्यों ना हो, जब देश भर में दिए जलाने की बात प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली में जिस तरीके की तैयारियां होती हैं, ठीक इसी तरह प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी हर कोई एक दिया जलाएगा। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, देश के कई महत्वपूर्ण हस्तियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही देश विदेश में बैठे लोगों ने अपने घरों में ही लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इस ऐतिहासिक प्रोग्राम को देखा। इस दिन को आज देश भर में दीपावली की तरह मनाया जा रहा है। इसका जीता जागता सबूत आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तो जनकपुर, श्री राम का ससुराल, माता सीता का मायके और दूसरी तस्वीर आप अयोध्या की देख रहे हैं, जहां लंबे सालों बाद श्री राम विराजे हैं अपने सही स्थान पर। देश की जनता में खुशी का माहौल है, घर ऑफिस रोशनी से जगमगा रहे हैं। दीपावली के समय जिस तरीके से घरों को लाइटों से सजाया जाता है, ठीक इसी तरह लाइटों से हर किसी ने अपने घर को, ऑफिस को सजा दिया है। और ये सरयू तट की तस्वीर आप देख रहे हैं, आतिशबाजी और लोग जश्न मना रहे हैं। उत्सव के ये पल आनंद से भरे हैं, सब खुश है और सबकी यही कामना है कि इसी तरह जश्न का माहौल और खुशी का माहौल बरकरार रहे देश में। वैसे तो खुशियों को हम आप नाच गाकर, स्वादिष्ट पकवान खाकर और एक दूसरे को बधाई देते हुए भी एंजॉय कर सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि जब तक पटाखे नहीं जलाएं तब तक त्योहार की खुशी पूरी ना हो, लेकिन दिए जलाने का एक अलग ही महत्व है। और दियों को जलाने के बाद जिस तरीके से राम के आने की खुशी मनाई जा रही है, इसकी बात अलग ही है। और देखिए आप तस्वीरों में किस तरीके से आज दियों के जरिए दीप प्रज्वलित कर जश्न मनाया जा रहा है। दीपावली के समय दीपोत्सव को भव्य दिव्य तरीके से उत्तर प्रदेश ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं दीप जलाकर। और एक बार फिर से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दीप जलाए जा रहे हैं। अयोध्या में ये लेजर शो भी आप देख रहे हैं, जनकपुर में आप देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से दीयों को जलाया जा रहा है। जनकपुर में यहां पर सियाराम लिखा हुआ है दीयों से, सियाराम की रंगोली बनाई गई है और दीप जलाए गए हैं। जनकपुर में दिए जलाए गए, इस खुशी में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है सफलतापूर्वक। और प्राण प्रतिष्ठा के ही उपलक्ष्य में भगवान राम के ससुराल नेपाल की अगर हम बात करें, नेपाल के जनकपुर की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर रौनक बहुत ज्यादा है। नेपाल के जनकपुर में जानकी मंदिर को रोशनी, ये जानकी मंदिर की ही तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, मिट्टी के दियों से सजा दिया गया। नेपाली लोग उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मना रहे हैं और जनकपुर को भगवान राम के ससुराल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा तेज है क्योंकि श्री राम का ये ससुराल है। त्रेतायुग में वनवास के दौरान, उसके बाद राजा रामचंद्र को जो कष्ट सहन पड़ा, ये कलयुग में भी जारी रहा। उन्हें भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में 500 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा, उन्हें तिरपाल के नीचे आश्रय लेना पड़ा। उनका दर्द वास्तव में सभी हिंदुओं का दर्द था। हमारे पूर्वजों ने कड़ी लड़ाई और संघर्ष किया और अंतिम परिणाम ये मर्यादा पुरुष भगवान राम के मंदिर के निर्माण के साथ ही जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस अवसर पर जितने भी नागरिक हैं, जितने भी राम भक्त हैं, उनमें एक अलग ही खुशी है। जनकपुर और मिथिला के लोगों में काफी ज्यादा खुशी है और तमाम ऐसे बड़े बड़े आप देख रहे होंगे हस्ती जो अपनी भावनाओं को कविता के जरिए तो कोई गाने के जरिए प्रस्तुत कर रहा है। ये दो तस्वीर अयोध्या की आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर जहां लेजर एंड लाइट शूज, और दूसरी तस्वीर आप जनकपुर की देख रहे हैं, दीप प्रज्वलित किया गया है इस खास मौके पर। तो ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर और दोनों ही तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि दीपावली को एक बार फिर से जिया जा रहा है और दीपावली की तरह मनाया जा रहा है। गली गली राम के जयकारे गूंज रहे हैं, देश की जनता में खुशी का माहौल है और उत्सव के ये पल आनंद से भरे हुए हैं। तो दीप प्रज्वलित कर 10 लाख दीपों से जगमगा रही है अयोध्या। यहाँ पर 10 लाख दीपों से अयोध्या जगमगा रही है, राममय माहौल हो गया है। महज 2 दिन जब बचे थे तभी से दीप लगाने शुरू कर दिए गए थे और 10 लाख दिए आप देख रहे हैं, 10 लाख दियों से पूरे तट को सजा दिया गया है। तमाम मंदिर और सार्वजनिक स्थल पर दीप जलाए गए हैं और हर तन में हर मन में कण कण में। सबसे पहले 2017 में जैसे ही योगी सरकार बनी थी तभी से दीपोत्सव का आयोजन शुरू हुआ। 2017 में 1 लाख से ज्यादा दीपों से अयोध्या सजी थी। 2023 में भी 22 लाख दीप जलाकर अयोध्या को सजाया गया था, एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। और आज आप देख रहे हैं कई लाख दियों से अयोध्या सज चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर अयोध्या प्रदेश, देश और दुनिया में
राम भक्त उत्साहित है। 500 सालों के संघर्ष के बाद भगवान राम पूरे वैभव के साथ मंदिर में विराजे हैं और इस खास मौके पर क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी की तरफ से जानकारी दी गई कि 100 प्रमुख मंदिर और सार्वजनिक स्थलों पर दीप जलाए जा रहे हैं और इसकी तैयारी भी पहले से